प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ये सब्जेक्ट में हम लोग 2022 का PYQ क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है देख रहे थे। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चंस मैंने बताया था कौन सा जो है नेचुरल पॉल्यूशन जो है नहीं है, तो उसमें कई सारे लोगों का ऑब्जेक्शंस ये है कि नेचुरल जो पॉल्यूशन है वो हमारा एयर पॉल्यूशन नहीं है, है ना। बट ये गलत है, जो एयर पॉल्यूशन है वो नेचुरल पॉल्यूशन है, नेचुरल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, इसके पीछे रीजंस है कई सारे। कई सारे गैसेस हैं जो कि नेचुरली क्रिएट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन व्हीकल चलाएगा तो ही वो गैसेस रिलीज होगी। वो नेचुरल जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी जो है हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारा होता है। जैसे कि आपको पता है कि गोबर गैस रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, जैसे गोबर गैस हम लोग नॉर्मली अपने भाषा में बोलते हैं। तो जब आपका कोई भी फल फ्रूट्स सड़ते हैं, गलते हैं, तो उससे भी जो है हमारा गैसेस निकलती हैं, और जो गैसेस निकलती हैं वो एयर को पॉल्यूट करता है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि एयर पॉल्यूशन 10% अगर नेचुरली हो रहा है तो 70% या 80% कृत्रिम, मतलब हम लोग ह्यूमन उसको क्रिएट कर रहे हैं, तब वो पॉल्यूशन हमारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन जो है खुद से नहीं होता, नेचुरली नहीं होता है। क्या आलू को या कोई भी फल हो, फ्रूट्स हो, उसको सड़ाने के लिए कोई मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? डायरेक्टली कहीं रास्ते पे डंप कर दिए या कहीं कुछ कर दिए तो वो नेचुरल पॉल्यूशन हुआ। या फिर कई बार क्या होता है कि जानवर वगैरह जो है मर जाता है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या साइड में रख दिया जाता है, तो वहाँ से भी जो है जब उसका शरीर सड़ता गलता है तो वहाँ पे भी जो है गंध निकलती है, और उस गंध से भी जो है हमारा एयर पॉल्यूशन जो है होता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक ही एक ऐसा था जो कि नेचुरल एयर पॉल्यूशन, मतलब नेचुरल पॉल्यूशन नहीं था। अर्थक्वेक से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, अर्थक्वेक सिंपली वाइब्रेशन के कारण से निकलता है, नेचुरल फेनोमेना है बट नॉट अ नेचुरल पॉल्यूशन। अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, नॉट अ पॉल्यूशन। तो अपना क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चंस है कि कयोटो प्रोटोकॉल क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर है, ठीक है। तो कयोटो प्रोटोकॉल क्या होता है वो यहाँ पे पूछा गया। तो कयोटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम है कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड अडॉप्टिंग टेड इन 1997। कयोटो प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है फोकस किया गया था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी संगठन, मतलब एक समझौता जो है, मीटिंग जो है किया गया। इसमें सेट किया गया एक टारगेट को फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसको कम से कम किया जा सके। ईच कंट्री हैज़ अ स्पेसिफिक टारगेट टू मीट बाई सर्टेन टाइम फ्रेम। प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म सच एज इमिशंस ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म टू हेल्प कंट्रीज मीट देयर टारगेट मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। इट ऑल्सो इनकरेजेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज। ये एक इफेक्टिव डिबेट था ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड विड्रॉ ऑफ सम
की कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट। ओवरऑल ये जो है एक ग्राउंड वर्क था फॉर ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बट हैज़ फेस्ड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट। इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट जो है हमारा किया गया कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही हैं जिसके कारण से जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं कि जब बारिश होना चाहिए तब बारिश हो नहीं रहा है और जब बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण से ही जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है बैसल कन्वेंशन। बैसल कन्वेंशन जो है ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन मकसद था कंट्रोल करना फॉर मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशन और पार्टिकुलरली फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। जो डेवलप्ड कंट्री था वो क्या करता था कि जो हजार्डस वेस्ट होते थे उसको अपने देश से हटाकर दूसरे के देश में जाकर डंप कर देते थे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो जनरेशन है हजार्डस वेस्ट का वो कम से कम हो और प्रमोट किया जाए इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट एंड मिनिमाइज किया जाए डिस्पोजल इन वे डैट कुड हार्म ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। मतलब इस तरीके से डिस्पोज किया जाए हजार्डस वेस्ट को ताकि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हमारा किया जा सके और कम से कम ह्यूमन को हार्म करे या इन्वायरमेंट को हार्म करे। कन्वेंशन रिक्वायर्स मेंबर स्टेट्स टू इस्टेब्लिश रेगुलेशंस फॉर द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट्स, इंश्योर प्रॉपर लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सच वेस्ट एंड प्रमोट वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। ओके, मतलब सिंपली यही है कि जितने भी कन्वेंशन किए गए, प्रोटोकॉल दिए गए, सबका मकसद यही था कि एनवायरमेंट को क्लीन रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, ह्यूमन को किसी तरीके से हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को। ओके, अगला प्रोटोकॉल था नयोगा प्रोटोकॉल। नयोगा प्रोटोकॉल जो है ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसका एम था कि इंश्योर करना फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये प्रोवाइड करता था फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशंस विद अ पार्टिकुलर फोकस ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रीजंस के कारण से जो भी कंट्री में प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे फेयर और इक्विटेबल शेयर बेनिफिट्स जो है मिल सके जेनेटिक रिसोर्सेज का भी, तो उसी से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल आपका कहता है। ये प्रोटोकॉल कहता है कि जो भी पार्टीज़ है वो ऑब्टेन करे प्रेयर इन्फॉर्म्ड कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट फ्रॉम द कंट्री प्रोवाइडिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड टू म्यूचुअली एग्री ऑन द टर्म ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इट एम्स टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन एंड सस्टेनेबल यूज। ना कौन बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल यूजेस को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, यूज़ कर सके, सस्टेनेबल यूज किया जा सके वाइल रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिजियस एंड लोकल कम्युनिटीज। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि कहता है
कि डिस्कस द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो अपने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इसका मेन मकसद है इंश्योर करना इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन करना इकोलॉजिकल बैलेंस को, वाइल मीटिंग अ सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इट एम्फेसाइजेज द कन्वर्जेंस डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड देयर इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल यूज, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट टू रीजनरेट। अगला है एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। इनक्रेज करना एफॉरेस्टेशन को, रीफॉरेस्टेशन को और रीजनरेशन को ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट टू इंक्रीज फॉरेस्ट ओ कवर एंड इन्हेंस इकोसिस्टम सर्विसेज, और इकोसिस्टम सर्विसेज को इन्हेंस करना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, इंडिजियस पीपल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना फॉर बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कैपेबिलिटी बिल्ड टू इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एंड एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस एज ए क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण से हमारा इशूज हो रही है ना, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करके उसको क्या करना, रिड्यूस करना, या कह सकते हैं कि उसको ख़त्म करना है ना, या रोकना, ये हमारा मेन मकसद यहाँ पे है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ गई। लीगल फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथनिंग लॉ पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशंस ऑफ लीगल इलीगल एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग एंड इनक्रोचमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशंस विद वाटरशेड मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज, रेगुलेट वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजंस एंड डिजर्टिफिकेशंस। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज एमंग फॉरेस्ट डेवलपमेंट कम्युनिटीज, इन्हेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया, ये तमाम चीज़ें जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, और ये गाइड करता है एज ए फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट लेवल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एंड एम्स एंड प्रोग्राम्स को, जिसका मेन मकसद यही है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशियो जस्टिस इन इंडियाज फॉरेस्ट सेक्टर्स में, तो वो चीज़ें जो है आपका यहाँ पे हो सके। बाकी और भी सवाल हैं जिसे बाद की वीडियो यानी अगले वीडियोज में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
ऐप का लिंक डाउनलोड कर लेना होगा। ऐप आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं MRS स्टडी ऑफिशियल पे, वहाँ पे भी जो है आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।